नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल पचौरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। मैं इस शेयर मार्केट में जो भी अपने ट्रेड्स करता हूँ और पिछले 12 सालों का मुझे जो भी अनुभव है, उन सभी अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूँगा। और यदि आप उस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी वैल्यू पाते हैं तो आप उसको अपने एक रिसर्च करने के बाद उसको या तो फॉलो कर सकते हैं या फिर उसको एज अ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं 12 से 15 सालों से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे समझ में आता है कि इस मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं अपनी इस इन्फॉर्मेशन को आज से डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगा। उम्मीद करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। आज दिनांक 28 फरवरी 2023, हम देख रहे हैं कि मार्केट कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली एक लोअर पैटर्न में जा रहा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि आज एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यदि डोजी कैंडल को आप समझते हैं तो ऊपर और नीचे इसका इक्वल अमाउंट का एक विक का फॉर्मेशन हुआ है। डोजी फॉर्मेशन एक कंफ्यूजन के फॉर्मेशन को भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि मार्केट अब इस पॉइंट से एक रिवर्सल की उम्मीद को दर्शा रहा है। ठीक है, ये सभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सभी एक प्रॉबेबल इंडिकेटर्स हैं, तो आप इन पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। बट बेस्ड अपॉन द रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रॉम लास्ट 20 to 20 days, द मार्केट इज इन कंटिन्यूअसली डाउन साइड। यदि आप इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो आपका एक अच्छे स्विंग ट्रेड्स बन सकते हैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में। ऐसे ही 5 चुनिंदा स्टॉक्स में आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कि अपनी बैलेंस शीट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो स्टॉक कुछ वर्षों में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट फॉल वो अपने हाई से 20 से 40% तक करेक्ट हो गए हैं। तो इस मार्केट में पैसा तभी बनाया जा सकता है जब स्टॉक मार्केट गिर रहा हो और उस समय आप क्वालिटी के शेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक, यदि आप डर की माहौल में यदि अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हैं या फिर डर जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अब ख़त्म हो जाएगा, अब हमारा भारत देश ख़त्म हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी, तो आप कभी इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। आप जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है आप तब से देखेंगे कि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रहती है। पॉजिटिव न्यूज़ रहने पे कई बार मार्केट गिर जाता है और नेगेटिव न्यूज़ रहने पे कई बार मार्केट चढ़ जाता है ना। इसका वाइस वर्सा भी उतना ही पॉसिबल और एप्लीकेबल है कि जब नेगेटिव न्यूज़ रहे तो मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाए और जब पॉजिटिव न्यूज़ रहे तो मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ जाए, है ना। तो जैसे कि आपने पेंडेमिक के दौर पर देखा, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कोविड के आने के बाद कि अब इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाएंगी और वह कभी रिकवर नहीं कर पाएंगी या फिर उनको 5 साल 10 साल या 15 साल की रिकवरी का टाइम लग जाएगा। तो इन सभी को चीज़ों को थोता बताते हुए मार्केट ने विद इन 5 to 6 month जितना फॉल हुआ था उसके साथ ही मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए। बट द कंडीशन वॉज ओनली एप्लीकेबल ऑन दो शेयर कि वो एक क्वालिटी शेयर्स हों। तो इसी क्वालिटी शेयर्स की श्रेणी में मैं पहला शेयर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस शेयर का नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपना 96 से कारोबार कर रही है और ये मार्केट में अप्रोक्सीमेटली एक 25 to 30% का एक मार्जिन होल्ड करती है। 150 करोड़ से ज़्यादा इस कंपनी के पास वर्तमान में फ्री कैश फ्लो है। एडहेसिव सेगमेंट में इनका 23% की मार्केट पे कब्जा है। यदि आप और नीचे जाएं तो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनकी बहुत बढ़िया है। 9% के टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, 25 different countries से जहाँ पे इनकी अर्निंग हो रही है। जितने भी प्रकार के एडहेसिव या फिर प्लास्टिक या फिर पीवीसी से रिलेटेड पाइप्स हैं, इसकी एक बहुत लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। पाइपिंग डिवीजन में इनका 77% रेवेन्यू आता है। 77% के अलावा कुछ परसेंटेज इनका एडहेसिव से है, कुछ परसेंट दूसरे सेगमेंट से है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल वर्तमान कंडीशन में 38,000 करोड़ रुपये है। इस स्टॉक का करंट प्राइस जो है 1,888 चल रहा है। यदि आप इस प्राइस को देखेंगे और इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ऑल्दो फ्रॉम द पीई पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक इज स्टिल एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन, बट
मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ब्रिटानिया या फिर इस प्रकार की पीवीसी सप्लाइंग कंपनी जिनकी बैलेंस शीट ईयर बाय ईयर ग्रो करती जा रही है, तो मार्केट इनको एक एडिशनल प्रीमियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। एडिशनल प्रीमियम का मतलब ये है कि आने वाले 6 महीने, आने वाले 12 महीने बाद इस स्टॉक का क्या प्राइस होगा, उसको मार्केट एडवांस में कंसीडर करके चलता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करते हुए ये प्रीमियम आपको थोड़ा सा महंगा दिखेगा, ये पीई आपको थोड़ा सा महंगा दिखेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। लेकिन यदि यहाँ पे आप ऑल टाइम पीई का कंपेरिजन करते हैं, तो देखिए ऑल टाइम पीई जो है यूजली इसका पेंडेमिक के समय भी, पेंडेमिक के टाइम भी आप देखिए, ये आप यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम पे यदि इसको कंपेयर करते हैं, मार्च अप्रैल में यदि आप इसका पी देखते हैं, तो ये 53 के आसपास गया था पी। तो आप इसको, इस स्टॉक को, एस्ट्रॉल पॉली को एक स्टैगर मैनर में इस पॉइंट से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी जो है वर्तमान दशा में पेंडेमिक जैसी स्थिति को या फिर उसके आसपास वाली कोई कंडीशन को बनाएगा, बट स्टिल कंसिडरिंग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, हम इसको एक स्टैगर मैनर में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। मैं आपसे ये डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में और आने वाले जितने भी 4 स्टॉक्स हैं, उन सभी में मेरी, मेरी फैमिली मेम्बर्स की पर्सनल होल्डिंग है, तो मैं इसमें एक बायस रिकमेंडेशन डेफिनेटली दे सकता हूँ। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल आप देखेंगे, हर एक उस स्टॉक की जिसकी आरओसी यदि 15% से बेहतर है, तो वो बहुत बढ़िया स्टॉक माना जाता है। आरओई आप देखेंगे 22% की है। इस स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 55% बनी हुई है। यदि आप इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग में जाते हैं, है ना, प्रमोटर होल्डिंग में जाके यदि देखते हैं, तो 55.74 से 55.85 विद इन लास्ट 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स, यू कैन से फ्रॉम मार्च 20 टू दिसंबर 22, विद इन 2 ईयर्स, 2.5 ईयर, दिस स्टॉक इज होल्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रमोटर्स। इट मीन्स दैट प्रमोटर की इस पर बहुत ज़बरदस्त विश्वास है कि आने वाले समय में बेहतर करेंगे, इसीलिए वह जो है एक हायर प्राइस में भी अपनी अपने स्टॉक को, अपनी होल्डिंग को नहीं बेचे उन्होंने, और उस होल्डिंग को कंटिन्यू रखा है। FIS की होल्डिंग यदि आप देखेंगे, तो लास्ट 2 सालों में घटी हुई है। 20% से इनकी होल्डिंग 14% हो गई है, लेकिन ये पूरा माल जो है किसने उठा लिया है, 8% से 15% DIS ने उठा लिया है। तो DIS ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल कर ली है, और FIS ने अपनी हिस्सेदारी 6% से घटाई है, और रिमेनिंग की यहाँ पे 8 से 16, मतलब 8% 5% तो इन्होंने FIA का माल उठाया है, और रिमेनिंग जो माल है ये जनता से उठाया गया है। यहाँ पे आप देखिए 15% से 14% पे इनकी होल्डिंग आ गई है पब्लिक, जो कि एक वीक हैंड माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक। दूसरी जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, और आप जैसा कि देखेंगे ये कंपनी एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एट द मोमेंट 27.8 है, जो कि मेरे अनुसार एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का 38,000 करोड़ रुपये है। डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक की बहुत बढ़िया है। यदि आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, तो 2.32% स्टॉक आपको एज अ डिविडेंड पे करता है। ROC 36%, ROE 27%। यदि ये वैल्यू आप खाली देखते हैं 36.2 और 27.07%, तो आप इसी पॉइंट को देख के आप बता सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, और जिस दिन ये चलना शुरू करेगा तो छप्पड़ फार आपको रिटर्न मिलेंगे। चलिए इसके ऑल टाइम चार्ट्स को देखते हैं। देखिए स्टॉक आपको अभी 200 DMA के नीचे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइन है। यदि आप इस चार्ट को देखते हैं, तो इस चार्ट में आप पाएंगे कि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने लोअर जोन पे बॉटमिंग आउट कर रहा है। यदि आप इसका मैक्सिमम जोन, यदि इसका प्राइस में जाते हैं, तो मुझे जहाँ तक याद है ये 1690 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जाता है, क्योंकि हर एक लेवल पर मैंने एक्यूमुलेट किया है, और ऑलवेज मैं ये उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक मुझे और निचले लेवल पर मिले, और निचले लेवल पर मिले, ताकि मैं इसमें 8 से 10 साल या फिर 5 साल की अवधि में एक बहुत अच्छा रिटर्न बना सकूं। ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक हैं, ये आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऐसा चमत्कार होते हुए नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जिस दिन चलना शुरू करेंगे, है ना, जिस दिन ये चलना शुरू करेंगे, तो वी शेप में इनकी रिकवरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कितने दिनों में, मात्र अक्टूबर 2020 से इन्होंने, और जनवरी 2021 में आपको किस प्राइस से, 2200 रुपये के प्राइस से आपको 3200 रुपये के प्राइस पर पहुँचा दिया, 700 रुपये का एप्रिसिएशन विद इन फ्यू मंथ्स। तो इसी प्रकार का आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते चलें, और जितना सस्ता ये आपको मिले उस सस्ते लेवल पे आप एक इसको स्टैगर मैनर में खरीदते रहें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म में, प्रमोटर की क्या स्थिति रही है। मार्च 20 में यदि देखते हैं, तो इनकी होल्डिंग 80% थी, जो कि घट के दिसंबर में 62% हो गई है। 8% की 8 से सॉरी 70 80% से 62 मीन्स अराउंड 18% की हिस्सेदारी कम हुई है। लेकिन उसी सेम कंडीशन में आप यदि देखते हैं, तो FIS की हिस्सेदारी 8% से बढ़ के 12% हो गई है।
मतलब FIS का विश्वास अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप यदि DIS को देखते हैं तो वह इस स्टॉक में एक्सट्रीमली बुलिश है। 1% से उनकी हिस्सेदारी बढ़ के 13% पहुँच गई है, मतलब 12% हिस्सेदारी जो कि इन प्रमोटर्स ने बेची है वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड में गई है। पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी 1% से बढ़ाई है, 10% से बढ़ के इनकी हिस्सेदारी 12% 11% के आसपास पहुँच गई है, जो कि एक गुड साइन को इंडिकेट करता है। यदि जनता के हाथ में बहुत ज़्यादा आपके शेयर्स हैं तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि पब्लिक जो है एक भीड़ छाल को फॉलो करती है। जैसा कि आपने अभी अदानी के स्टॉक्स में देखा होगा कि जैसे ही एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, बिना उस न्यूज़ का वैलिडेशन किए, बिना किसी एक फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किए, दे जस्ट स्टार्ट सेलिंग ऑफ देयर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। सो रदर देन कन्फर्मिंग द न्यूज़ और मेकिंग श्योर वॉट इज़ द एग्जैक्ट न्यूज़ बिहाइंड द पर्टिकुलर आर्टिकल और बिहाइंड द पर्टिकुलर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, दे जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग द रेट रेस। तो इसीलिए पब्लिक को हमेशा ही वीक हैंड माना गया है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लक्स इंडस्ट्री। 3833 करोड़ रुपए की इस शेयर का मार्केट कैपिटल है। ये होजरी आइटम में डील करते हैं। लक्स इंडस्ट्री को सभी लोग जानते हैं, कईयों सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। 1995 से ये कंपनी भारत में काम कर रही है। 14% इनके पास मार्केट का शेयर है। अभी कुछ समय से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट, कॉटन का कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। इस ऑपरेटिंग मार्जिन की कमी की वजह से स्टॉक में एक भारी करेक्शन देखा जा रहा है। इस स्टॉक ने 52 वीक हाई 2600 बनाया है और अभी रिसेंट में ये अपना लो 1270 को फॉर्म किया है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। 20 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अवेलेबल है। ROCE 34%, ROE 29%, जो कि एक बहुत ही रिसेंट और हैंडसम ROE और ROCE मानी जाती है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 75%, और क्या चाहिए आपको विश्वास के लिए, है ना। मैक्सिमम चार्ट यदि आप देखते हैं तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने बॉटम PE पे ट्रेड कर रहा है। इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दी स्टॉक, नॉट आ एडवाइस, बिकॉज आई एम नॉट अ NSE रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई एम जस्ट गिविंग यू माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आपको निवेश करने के पहले अपना खुद एक रिसर्च करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। इस स्टॉक में भी मेरी और मेरी फैमिली मेम्बर्स की होल्डिंग है, तो मैं आपको डेफिनेटली जो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं इस स्टॉक को परचेस करते समय, वह सभी पॉइंट आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मार्च 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग 70% थी, जो कि बढ़ के दिसंबर 2022 में 75% के अप्रॉक्सीमेटली हो गई। FIS ने अपनी होल्डिंग घटाई, 1% से इनकी होल्डिंग घट के 2% पे आ गई है, और DIS ने अपनी होल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ाई है, जो कि 4% से बढ़ के 10% पे पहुँच गई है। पब्लिक अगेन गिरते हुए शेयर को बेचना और चढ़ते हुए शेयर को खरीदना, यहाँ भी अपने टिपिकल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हुए 22% से 13%, मतलब पब्लिक ने भर भर के माल यहाँ बेचा है। अपनी लास्ट कंपनी जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, देखिए 10% तो खाली ये कंपनी आपको डिविडेंड देती है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ मैं आपको एक एडवाइस या फिर एक आपको हिदायत देना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी को आप तभी एक्यूमुलेट करें व्हेन दी कंपनी इज ट्रेडिंग नियरली 10-15 ऑफ PE, जो कि इसका हिस्टोरिकल चार्ट है। अब देखिए हिस्टोरिकल चार्ट यदि आप देखते हैं तो ये एक प्रकार का साइक्लिक टाइप का स्टॉक है, जो कि एक टॉप बनाता है, फिर एक बॉटम बनाता है, फिर एक टॉप बनाता है, फिर एक बॉटम बनाता है। तो जब कभी भी ये स्टॉक जो है आपको 15 के नीचे PE में मिले, तो आप स्टैगर मैनर में उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। स्टैगर मैनर मतलब आपके पास यदि 100 रुपये हैं तो आप उसको 20 रुपये का एक पॉइंट पे खरीदिए, फिर यदि 5-10% शेयर गिर जाए तो फिर आप 20 रुपये का खरीदिए, फिर यदि 5% गिर जाए तो 20 रुपये का, इसी प्रकार से आप उसको स्टैगर मैनर में एक्यूमुलेट करते चलिए, ठीक है। और जब ये शेयर चलना शुरू करे तो आपने जो नीचे का शेयर बाय किया है उसको 5% ऊपर में बेच दीजिए, और इसी प्रकार से अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है, स्विंग ट्रेड की जर्नी है, 5% 10% का आप एक्सट्रैक्शन करते रहिए। क्योंकि ये जो शेयर हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टाइप के शेयर हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो आप देखिए आप इसमें किसी प्रकार की गेन नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें जो खेलने का तरीका है, जो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वो डिफरेंट है। आपको यहाँ पे सेल करना है और इस पॉइंट पे बाय करना है, बट नो वन कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट हाई और द लो, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू द प्रोसेस इन द स्टैगर मैनर। लास्ट शेयर जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट और बहुत ही शानदार कंपनी है, HDFC ग्रुप को ये बिलोंग करती है, क्योंकि अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ अच्छा हिंट्स वगैरह और किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं किया है, दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनीज आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। और ICICI लोम्बार्ड की यदि बात किया जाए, जनरल इंश्योरेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस जो कि मेरा फेवरेट और सौरभ मखरेजा के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, HDFC लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सौरभ मखरेजा मार्सलस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टॉक,
सो यदि आप इस स्टॉक का पी देखते हैं तो ये स्टॉक अभी भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, 77.3 पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 10%, आरओई 10%, विच इज़ नॉट अ वेरी हैंडसम आरओसी एंड आरओई, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि इंडिया में ओनली 3-7% पीपल्स आर इंश्योर्ड एट द मोमेंट। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भविष्य में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हो सकता है यही सेम शेयर आपको तिगुने चौगुने रेट में मिले आज से 5-10 साल के भीतर, है ना। तो इस प्रकार के मल्टीबैगर स्टॉक्स को आपको तभी पकड़ना पड़ेगा जब ये बेहतर नहीं कर रहे हैं। बट बाय कंसीडरिंग द फ्यूचर यू हैव टू प्रिडिक्ट इन एडवांस एंड यू हैव टू एक्यूमुलेट दैम इन द स्टैगर मैनर। सो मैं इस स्टॉक को 504 के लेवल से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ 489 रुपीज एंड मल्टीपल टाइम आई हैव ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम 510 टू 605 रुपीज लेवल, बिकॉज यू सी द प्राइस बैंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, प्राइस बैंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग इन बिटवीन 520 टू 586, अगेन 520 एंड अगेन 610। सो इट इज अ काइंड ऑफ रेंज विच यू हैव टू प्रिडिक्ट। सो दिस स्टॉक इज स्टक इन दिस पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, 500 से 600 रुपए की रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है बहुत लंबी अवधि से। आप इसको यदि एक स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो 500 रुपए के लेवल के आसपास आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए, 560, 580 और 610 के आसपास आप इसमें बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा प्रेजेंटेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी लाइफ में कुछ इस प्रकार की वैल्यू को ऐड करेगा। इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम।